गांव को चारों तरफ से घेर रखा है और बुजुर्गों की इज्जत लूट रही है और मंदिरों से मूर्तियां चोरी हो रही है रावण। और उन्होंने गांव को शमशान घाट और कब्रिस्तान बना दिया है। फसल बर्बाद हो गई रावण, फसल बर्बाद हो गई। कलयुग आ गया है मेरे दोस्त, कलयुग। बड़े क्या कहे, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो पापी का नाश करने के लिए कोई ना कोई आ जाता है। चल चल मेरे यार, तेरे सपनों को खुशियों से भर दूं। देख देख हमारी हमारी खेती किस तरह लहरा रही है। देख माता का वरदान है पूरन। अगर मेरा दोस्त रहीम जिंदा होता फिर देखते हम दोनों की मेहनत क्या रंग लाती। कसम से सोने पे सुहागा हो जाता। रहीम के बेटे सुल्तान को अपनाकर तुमने सोने पे सुहागा कर दिया और एकता की मिसाल कायम कर दी है। अरे भैया, मेरे लिए जैसा मेरा बेटा संग्राम है, वैसे सुल्तान एक आंख संग्राम, दूसरी आंख सुल्तान, एक गीता एक कुरान। इसे कहते हैं दोस्ती, वरना आजकल कौन किसी की औलाद को पालता है। कैसी बातें करते हो पूरन, ये किसी का बच्चा थोड़ा ही है, ये तो मेरे दोस्त का बच्चा है और पालनहार तो ऊपर वाला है। सच कहते हो धानु भैया, भगवान ने इन बच्चों को पालने का इंतजाम भी कर दिया। फिर प्रभु की लीला देखो कि तेरे खेतों में धान ही धान हो गया। क्या कहा, धानु के खेत में धान ही धान, तो फिर हो गया भगवान। उसकी तो लड़की भी हो गई है जवान। जवान जी, बिल्कुल जवान। तो फिर हो गया कल्याण, इधर फसल जवान, इधर सरदार की लड़की जवान, तो क्या तैयारी। फूल सा चेहरा मुरझा गया है। हाँ, पहले खाना तो खा लो। देखती नहीं, खाना मुंह तक पहुंचने से पहले उसे छीनने के लिए कुत्ता आ गया है। आ गया तो क्या हुआ, अन्न तो भगवान है, इसे छोड़कर मत जाओ। भगवान, इस अन्न भगवान को तो फिर मिल लूंगा, पहले उस धरती के भगवान को तो मिल लूं। मालिक, आपने क्यों तकलीफ की, मुझे बुला लिया होता। धानू, अरे ओ धानू, प्यासे कुएं के पास जाता है, बिना ढक्कन बंद हो कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है। धानू जीता है, धानू शाबाश शाबाश। अगर इसी तरह तू दिन रात हर तो मेहनत करता रहा तो अपने बुजुर्गों के कर्जा चुका के मरेगा। मालिक, वह तो खुद ही आपके पास एक विनती करने आ रहे थे। धानू, तुम्हारे लिए तो मेरी जान आती है, तुम्हारा ढक्कन बंद हो लेकिन पैसे की बात मत करना। मालिक, बात तो पैसे की ही है, आप जानते हैं मेरी बेटी दुर्गा सयानी हो गई है, उसकी शादी में थोड़े दिन बाकी है। अगर आप इस साल ब्याज की रकम ना लें तो मैं अगले साल अपना सब कुछ बेचकर आपकी पूरी रकम चुका दूंगा। मालिक, इकलौती बेटी की शादी है, कुछ ना कुछ देकर तो ही विदा करना पड़ेगा। शुक्र है कि किसी ने सुना नहीं। तुझे मालूम नहीं मूर्ख, हमारी सरकार ने दहेज लेना देना दोनों बंद कर दिया है। तेरा ढक्कन बंद हो, अगर कानून के खिलाफ कोई काम करेगा तो अंदर हो जाएगा। मालिक, हम भूखे गरीब अपनी बेटी को क्या दहेज देंगे, पर फिर भी बेटी को
खाली हाथ तो नहीं भेज देंगे, तीन कपड़े तो देने ही पड़ेंगे माले। अरे वाह धानु वाह, तू चाहता है कि दुर्गा की शादी हो और मेरी बर्बादी। कोई बात नहीं मालिक, अगर हम गरीबों की खून पसीने की कमाई आपके जीवन का सहारा है तो मैं इतना नीच नहीं कि वो सारा छीनूंगा आपसे। आप ले लेंगे अनाज, सब कुछ ले लें। मैं ये समझूंगा कि मेरी अभागन बेटी की किस्मत में शादी है ही नहीं। कविता, कब तक तू हम गरीबों का खून चूसता रहेगा? याद है तुझे, 2 साल पहले तूने हमें 500 रुपए दिए थे और उसके बदले आज तक 2000 वसूल कर चुका है, फिर भी तेरा असर बाकी है। तो हंस उस पर, तुझे और रुपए चाहिएगा? ये ले मेरे शादी के कंगन, ये ले। कहना तो नहीं चाहिए पर मजबूर, ये तेरी नियत अब भी नहीं भाई, तेरी गलती नजर मेरे मंगलसूत्र पे, मेरे सुहाग की निशानी पर है। तो ले ले, भगवान ने चाहा तो मेरा सुहाग सलामत रहेगा। नहीं नहीं माधुरी, जमीनो मेरे सीता जी, मेरी स्वागन माँ को अभागन बनाना चाहते हो? नहीं, जब तक राजा जिंदा है मैं तो कभी नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। शादी सर पे मंडरा रही है, पता नहीं कैसे कब कहां से होगा।
मैं सोचता हूँ कहीं कुछ और काम, कोई नौकरी ढूंढ लेता हूँ। मैं भी आपके साथ काम करूंगी। तुम काम करोगी इस हालत में? पागल हो गई हो? साथ फिर इकट्ठे नहीं लिए थे, मिलजुल कर काम करेंगे तो बोझ हल्का हो जाएगा। माँ, क्या कहा माँ? मैं बोझ हूँ क्या? कोई लड़की अपने माँ बाप के लिए, जबकि मुसीबत के दिनों मुझे आपका साथ देना चाहिए, आप मुझे घर से निकालने की फिक्र में है। मैं हाथ जोड़ती हूँ, आप ये समझिए आपके तीन लड़के नहीं चार लड़के हैं। माँ, अगर आपने मेरी शादी के बाद फिर की, मैं कह देती हूँ माँ कि मैं अपनी जान दे दूंगी। आंसू, मेरी बहन दुर्गा की आंखों में आंसू नहीं, मेरी बहन तेरी डोली उठेगी और जरूर उठेगी। नहीं भी उठी तो क्या हुआ भैया? नहीं मेरी बहन, ऐसा नहीं कहते। लानत ऐसी औलाद पर जो बुढ़ापे और बहन का सहारा ना बन सके। भैया, हमने कितनों के ढक्कन बंद किए और कितनों के खोल डाले, और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा भूपत सिंह मूर्तियां चुराने का काम कितनी सफाई से कर डालता है। हम लोग आपके कहने पर बेगुनाह लोगों का खून तक करते हैं। अफीम गांजे का धंधा तुम्हारा किसे नहीं करता है जमींदार? चुराई हुई मूर्तियां और तमाम नजायज चीजों को ठिकाने लगाने वाला काम तुम्हारा प्रताप ही तो करता है।
देख तुम्हारा ढक्कन बंद हो, आज का काम सब कामों से अलग है। अलग है तो फिर बताओ क्या कर रहे हैं। याद है धानू की लड़की दुर्गा, जिसे आज तक हवस की नजर से देखते आए हो। पर भगवान की कसम सीता, तुम्हारी रुकावट ने हमें प्यासा रहने पर मजबूर कर दिया। तो बुझा लो प्यास, मेरी तरफ से तुम्हें छुट्टी है, बिल्कुल छुट्टी है। धान के घर में आ जाएगा, दो सारे खानदान का ढक्कन बंद कर दो। किसी को जाते वक्त नहीं टोका करते, पूरा होता है। मैं मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। तुम तो जानती हो हमारे घर में एक साथ कितनी खुशी आई है। हमारे खेतों में भी पानी आने वाला है और आज राखी है। एक बात भूल गई कि आज तेरा भैया दहेज भी लाने वाला है। काला टीका लगा ले बेटी, किसी की नजर न लग जाए। एक साथ इतनी खुशियाँ बड़े भाग्य से मिलती है। अरे मिलेंगी क्यों नहीं मौसी, माता रानी जो हमारे साथ है। दुर्गा माता मुझे माफ कर देना, मैं जल्दी में हूँ। मेरा भैया शहर से आता होगा, मुझे उसे राखी बांधनी है। शंकर भोलेनाथ, आपकी दया से हमारे खेत में भी पानी आ गया होगा। जय दुर्गा माता। देखो माँ देखो, मैं अपनी दुर्गा बहन के लिए क्या क्या लाया हूँ। माँ लाल लाल साड़ी, लाल लाल चूड़ा, पूरे दीप का सामान लेकर आया हूँ माँ। पर कसम खा माँ, बापू को ये सब चीजें नहीं बताऊंगी। बापू जब ये सब चीजें देखेगा ना तो खुशी से फूला नहीं समाएगा। माँ मैं अभी आया माँ। क्या बोल लल्लू, खत्म ले रहा भैया, जल्दी जाओ खेत में, धान का घर को कुछ लोग मार रहे हैं। ये पकड़ो बापू। पश्चात हो भैया। भैया नहीं,
सैया कहो रानी, सैया। नहीं नहीं भैया, ऐसा मत कहो। तुम लोग इंसान हो, शैतान मत बनो। कहीं कहीं ऐसा ना हो माँ की तलवार उठ जाए। और फिर देखो मेरी शादी होने वाली है। तो फिर बड़ी खुशी की बात है, हर जवान लड़की की शादी तो होनी ही चाहिए। और फिर हम भी तो शादी ही के लिए आए हैं। नहीं नहीं भैया, मैं तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। हम भी तो प्यार की भीख मांगने आए हैं मेरी जान। मेरा भाई वहाँ इंतजाम करता होगा। आज राखी है ना, मुझे उसे राखी डालनी है। ये तो हमें भी मालूम है मेरी जान, पहले हमारे साथ प्रेम बंधन कर लो, उसके बाद जाकर भाई को राखी बांध देना, हमने कब रोका है। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ, मुझे जाने दो, मेरे इंतजार में घर में सब भूखे बैठे होंगे। हम सब भी तो यहाँ भूखे हैं मेरी जान, फर्स्ट सिर्फ इतना है वो वहाँ रोटी के भूखे हैं और हम यहाँ तुम्हारे प्यार के। पाँव की तरफ ना भागने पाए। Let's go!
राग को संभालो। पगली कहीं की मरने से पहले कह रही थी कि अपनी इज्जत की रक्षा के लिए तुम्हारे सामने अपना सर फोड़ती रही, पर तुमने उसकी रक्षा नहीं की। क्या ये सच है माँ? और फिर कह रही थी, ऐ पत्थर के देवी देवताओं, क्या अपनी संतान की इज्जत को लुटते हुए देखते रहोगे? क्या अपनी संतान की लाश को नहीं बचाओगे? क्या ये भी सच है माँ? पर माँ, मैंने उसे कह दिया, नहीं तो भाई पाप लगेगा, ऐसा मत कह, माँ गुस्से में आ जाएगी। माँ के राज में देर है, अंधेर नहीं, उसकी लाठी बहुत बुलंद है पर बेआवाज है। मैंने उसे सच कहा ना माँ? पर माँ, इसका फैसला तो तुमको ही करना पड़ेगा ना। जब तक उन राक्षसों को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा नहीं करूंगा, तुम उनका नाश नहीं करोगी, कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे राज में देर है या अंधेर? माँ, अगर तुमने इंसाफ ना किया तो पता है क्या होगा, लोगों का तुम्हारे ऊपर से विश्वास उठ जाएगा, तुम्हें ये गद्दी खाली करनी पड़ेगी, यहाँ राक्षसों का राज होगा। पर हाँ माँ, ये मेरी बहन की जो राग है ना, ये राग नहीं, मेरी बहन दुर्गा है, दुर्गा। मैं इसलिए इसको यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ ताकि रात दिन इसकी रूह तुम्हारे इर्द गिर्द हंसती रहे और तुम्हें याद दिलाती रहे कि तुम्हारे राज में देर है अंधेर नहीं, देर है अंधेर नहीं, देर है। जानते हुए भी बताओगे?
आदमी को जानता हूँ, बेला दुर्गा किशन। बेला दुर्गा किशन। सरकार सरकार दादा मेरी अमेरिका बढ़ रहा है। कहते हैं जब गीदर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। अपने अपने मोर्चे संभालो, दुश्मन की लाश भी यहाँ से जानी नहीं चाहिए। जाओ। मुझे अभी कोई नहीं मार सकता, मुझे अभी बहुत काम करने हैं। इंस्पेक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया है। हाँ, क्या बात है? कुछ नहीं कुछ नहीं, आपके बेटे राजा के बाजू पर उनका नाम खुदा हुआ था। हाँ, लेकिन लेकिन आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ मेरे राजा को, क्या हुआ जल्दी बताओ। माँ जी, मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि आपके बेटे राजा का किसी ने खून कर दिया और उसे सेना भी बिगाड़ दिया ताकि उसकी लाश को कोई ना पहचान सके। हमारे गांव के होनहार नौजवान राजा के भी मार डाला। अरे उस जालिम का ढक्कन ही क्यों नहीं बंद हो गया? तुम मत रो बहन, तुम मत रो, जमींदार भी जिंदा है। अरे मैं तेरे लिए गांव के घर में झोली बनाऊंगा, भीख मांगूंगा, उसके लिए चलने का इंतजाम करूंगा, लेकिन राजा की लाश कभी नहीं जान दूंगा, कभी नहीं जान दूंगा। खबर नहीं जमींदार, हम किसान हैं, मेरे बेटे की लाश बिना कफन नहीं जाएगी। बाकी नहीं तुम्हारे कर्जे की बात, मेरा बेटा राजा ठीक कहता था, मैं तो क्या, मेरे बेटे भी कर्जे चुका कर मरेंगे। इसे कहते हैं देवी, सब कुछ चाहेगी, बर्दाश्त करेगी, लेकिन दूसरे को कष्ट नहीं होने देगी। अरे धनु देवी, तुम्हारे तो शान छूने का।
ये सर नहीं तो क्या है भैया, आज मुझे इस वर्दी में देखने के लिए तुम 6 साल तक यही फटी हुई कमीज पहनते हो। पता नहीं क्या हो गया। बाबा ओ बाबा, रंगा मार खा खा के हो गया उदास और बाबा खड़ा है बिंदास। बाबा रंगा धड़ाधर खा रहा है मार और बाबा खड़ा है बेकार। मार तू भी मार ना। रंगा खुश महापुरुष के चरणों में आकर रंगा बहुत खुश। पर महापुरुष जी ये तो बताइए, रंगा को हराकर आपने गांव वालों की भलाई की थी, फिर आज भलाई और बुराई एक साथ जेल में इकट्ठे कैसे? मेरे भाई इंस्पेक्टर संग्राम सिंह ने अपने फर्ज से मजबूर होकर मुझे गिरफ्तार किया। सुन रहा है ऊपर वाले, ये कहता है इसका भाई इंस्पेक्टर और फिर भी इसकी मदद नहीं की। मैं उस परवरदिगार की कसम खाकर देता हूँ, मैंने किसी का खून नहीं किया। जी बिल्कुल आ जाएगा जी। देख कमीनो, अपनी जूती से नहीं मेरी मखमली जूती से। अरे मुझ पर मिट्टी का तेल डाल दो,
मुझे जलाकर राख कर दो। कर देंगे जी, बिल्कुल कर देंगे जी। लेकिन हजूर इसकी वजह क्या है? क्या वजह है? वो रंगा नहीं, दंगा है। दंगा? दंगा है जी। ये दंगा के बच्चों, वो राजा है, मेरी मौत का फरिश्ता। वो राजा भी है, दंगा भी है। है जी, बिल्कुल दंगा है। पर ऐसा क्यों है जी? असली लड़ाई की जड़ तो मैं हूँ, और वो इस जड़ को काटने के लिए जरूर आएगा। हमेशा हमेशा के लिए मेरा ढक्कन बंद कर देगा। ढक्कन बंद नहीं होगा जी। बिल्कुल ढक्कन बंद नहीं होगा जी। कैसे? वो अपनी बिटिया सरला है ना जी, वो संग्राम से प्यार करती है। बिल्कुल प्यार करती है जी। प्यार? मैं महापापी हूँ, मेरा ढक्कन बंद हो। मैं महापापी हूँ जमींदार। बहन जी मुझे माफ कर दो। ये लो अपनी जमीन के कागजात, ये लो। ये आज कौन सी अनोखी बात हो गई? तुमने तो हमेशा हम लोगों पर जुल्म किए हैं, हमारी जमीने छीन ली, हमें घर से बेघर कर दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बहन जी, बहुत शर्मिंदा हूँ। वाकई मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अन्याय किया, लेकिन अब मैं पश्चाताप की आग में जला जा रहा हूँ। माफ कर दो बहन जी, माफ कर दो। मैं समझी नहीं, तुम चाहते क्या हो? मैंने तो अपने बच्चों तक को नहीं बताया कि हम पर क्या बीती है। बहन जी मेरी बेटी सरला आपके संग्राम से प्रेम करती है। मैं जानती हूँ। तो मैं विनती करता हूँ बहन जी, उसे अपनी बहू बना लो। तुमने जो अन्याय हम पर किए है उसका न्याय तो भगवान करेगा, हम अपने बच्चों को उसकी सजा क्यों दें? तो बहन जी कह दीजिए कि रिश्ता आपको मंजूर है। मंजूर है। बेलिया देवी है, देवी। क्या ये सच है जमींदार कि तुमने अपनी बेटी की सगाई इंस्पेक्टर के साथ कर दिया? हाँ भाई ये बिल्कुल सच है, वरना मेरा ढक्कन बंद हो जाता। क्यों भाई से? जी बिल्कुल बंद हो जाता। हो जाता जी, जरूर हो जाता। हाँ तुम्हारा ढक्कन तो बंद होने से बच गया जमींदार, लेकिन मेरे बारे में तुमने क्या सोचा है? देख भाई बग्गा, मैं तो साफ बात करता हूँ, आज तक मैं तुम लोगों के लिए सोचता रहा, तुम्हीं लोगों को माला माल करता रहा। अरे अपने लिए तो आज तक सोचा ही नहीं, लेकिन अब सबको अपनी अपनी सोचनी होगी, सबको अपने अपने ढक्कन का ख्याल रखना पड़ेगा। जमींदार तो बग्गा की भी साफ साफ सुन लो, अगर तुम हमेशा के लिए मुझसे नाता तोड़ना चाहते हो तो 4 दिन के अंदर मुझे 20 लाख रुपया दे दो, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगा, वरना। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरा ढक्कन बंद हो गया। क्या हुआ जमींदार साहब? मेरी बेटी और तुम्हारी होने वाली दुल्हन को गाड़ा को उठा ले गया और बदले में 20 लाख रुपए से मांगी है। 20 लाख रुपया? बेटे 20 लाख की कोई परवाह नहीं है, अपनी होने वाली दुल्हन को बचा लो, चाहे मेरा ढक्कन बंद हो जाए। आप फिक्र न कीजिए जमींदार साहब, बग्गा को मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। बेटे उसने रुपया पहुंचाने का ठिकाना शायद काली गुफा बतलाया था, शायद वही उसका अड्डा हो। ऊपर मंदिर भी है बेटे। मजा आ गया, मजा आ गया सदर, मजा आ गया। अबे मुच्छर बहुत हंस रहा है सदर, हंसने की बात ही है। चोरों पे घर चोर, नहरे पे जहर, वो भी प्रयाणी अपने। अबे कितने चुराया, क्या चुराया, क्या बकरा? किस अपने पराये की बात कर रहे हो यार? अरे सुल्तान भाई वो जो जिम्मेदार है ना, आज तक दूसरों की लड़कियों की इज्जत के साथ खेलता रहा, आज उसकी लड़की को बगा डाकू उठा के ले गया, और वो भी शादी के मंडप से पहले। क्या कहा? शादी के मंडप से पहले ही? अगर आज जिम्मेदार की लड़की की शादी इंस्पेक्टर संग्राम से होने वाली थी। मेरे भाई की शादी? फिर सोच रहे हो, फिर करो तैयारी। एक तरफ से तुम घेरा डालो और दूसरी तरफ से
पता लगाने में कामयाब हो गया उस्ताद। आप और जल्दी भेजिए। वाह, कितनी खुश नसीब हो तुम जो बग्गा की आंखों ने तुम्हें पसंद किया। क्या कहा? यही तेरी दो आंखें निकालकर नजराने की तौर पर तेरे हाथ में दे दूंगी कुत्ते। तू भी तो एक नजराना है मेरी जान। जब तक तेरा बाप 20 लाख रुपए मेरे हवाले नहीं कर देता, तू मेरे पास नजराने के तौर पर रहेगी।
सबसे ज्यादा उसका बेड़ा गर्क किया है। तुम्हारे कहने पर हमने उसकी बहन की इज्जत लूटी, उसके बाप का खून किया। तेरा ढक्कन बंद हो, आहिस्ता बोल आहिस्ता। दीवारों के भी कान होते हैं, अगर इसी तरह हम आपस में लड़ते रहे तो हम दोनों का ढक्कन बंद हो जाएगा। अब समझदारी इसी में आए कि इस खतरे से बाहर होने का रास्ता सोचो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आता। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता ना आएगा, सास तो मेरी काम करेगी। अब मेरी समझ में जो आता है वो सुनो। अब अपने पास सिर्फ दो पत्ते हैं, अगर हमने उन पर काबू कर लिया तो बाजी यूं पलट सकती है, यूं पलट सकती है। दो पत्ते? अरे तेरा ढक्कन बंद हो, उसकी बहन लक्ष्मी, उसकी माँ पार्वती। समझ गया, ये तो काम मेरे बाएं हाथ का है। आपकी शतरंज की चाल को हाँ मान गए सरकार, बिल्कुल मान गए। सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तुम्हारा ढक्कन बंद हो, तुम क्या कर रहे हो? एक चाल में साहूकार मारा गया आपके हाथों से और पकड़ा गया बेचारा सुल्तान। हाँ, और दूसरी चाल में दोनों का बेड़ा गर्क हो गया। उसकी बड़ी बेटी दुर्गा की बर्बादी के बाद सारा खानदान तबाह हो गया, सारा खानदान। जी हाँ, आज उसकी बेटी लक्ष्मी के बारे में। बेटी मुझे बेटी, आज मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया है, जान लिया है। मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बाप इतना नीच हो सकता है। तुमने बेगुनाह को मुजरिम बना लिया, तुमने मासूम लड़कियों की इज्जत बटवा दी। तुमने मुझे भी उस बेटी के हवाले कर दो, जिसे तुम भूपत कहते हो। खेलने दो मेरी इज्जत से। क्यों शर्मा गए? इसलिए कि मैं तुम्हारा खून हूँ, बेटी हूँ। जरा सोचो, जिन लड़कियों की तुमने इज्जत जुटवा दी वो भी तो किसी की बेटी थी। क्यों चुप हो गए? लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं चिल्ला चिल्ला के कहूंगी, पुकार पुकार के कहूंगी कि मेरा बाप मुझे मैं खूनी है, कातिल है। मैं आज सब कुछ जानती तक रहा हूँ। हाँ मैंने कहा माफ है, अपनी बेटी का भी नहीं हुआ। हुआ जी, बिल्कुल नहीं हुआ। बेटी घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं ना। ये सब कैसे हो गया? मेरी गैर हाजिरी में इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप लोग कुछ न कर सके। सर इतना मिलते ही हम मौके पर पहुंच गए, लेकिन तब तक सब कुछ हो चुका था। संग्राम, मेरा सर शव के बारे झुका जा रहा है। इस पर फसाद की जड़ मेरा बाप है, जो गांव का जमींदार है, जो गांव वालों का रक्षक की बजाय दक्षक बन चुका है। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुमने तो अपने बाप के खिलाफ सच बोलने की हिम्मत की है, करोड़ की मदद की है। अब हम भी कुछ नहीं छुपाएंगे जी, बिल्कुल कुछ नहीं छुपाएंगे। ऊपर वाले की कसम, भूपत का अड्डा छुईया पहाड़ी पे है जी, छुईया पहाड़ी पर। हाँ हरा गांव हो गया नंगा। बोल क्या
लक्ष्मी और माँ पार्वती को भी उठा के ले गया। की ये हिम्मत, खुदा की कसम जिस दिन किसी की माँ या बहन का अगवा होता है वो उस दिन उसके लिए कयामत का दिन होता है, और आज मैं उस कमीने पर कयामत। बिजली, तुम्हें आप मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। इतना ही कमी नहीं, बल्कि अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ये बिल्कुल ठीक है, तुझे कोई भी नहीं बचा सकता। एक एक करके मेरे सब साथियों को मार डाला। बदला कहेगा, भला मैंने उनको कहां से मारा? सजा तो मां ने दी, मैं तो सिर्फ उनको मां की अदालत से ले गया था। पता है मैं तो मां का दूध हूँ दूध, पर याद रखना आज जब दूध बनकर तुम्हारी मां की अदालत में ले जाऊंगा। इससे पहले मैं यमदूत बनकर तेरे खानदान को खत्म कर दूंगा। तू नहीं जानता वो है तेरी बहन लक्ष्मी, और वो देख तेरी माँ बंधी हुई है। तू रंगा नहीं है राजा, जानू का बेटा राजा। राजा तो वो होता है जिसके सर पर ताज हो, मैं तो बेताज राजा। मैं तेरी माँ हूँ बेटा। मेरे भैया, मेरे भैया, मेरा बेटा राजा। कौन बेटा? कौन भैया? अरे सुन, आज मैं तुझे एक राज कहता हूँ। परसों पहले तेरी बहन दुर्गा की मैंने इज्जत लूटी थी, और आज तेरी दूसरी बहन लक्ष्मी जो मेरे दिल की मुराद पूरी करेगी। मुझे भैया मत कहना, आज तक जिसने मुझे भैया कहा वो ऊपर चला गया। जाजा, मेरा भैया सुल्तान है। भैया। अरे जो अपनी पहली बहन दुर्गा की लाज नहीं बचा सका वो अपनी दूसरी बहन लक्ष्मी की क्या लाज बचाएगा? भैया, अगर इस धरती पर खुदा है तो मुझे पैदा करने वाले खुदा की कसम मैं तेरी पोटी पोटी कर दूंगा। भैया, 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 भैया
अपनी बहन को जमाल के सामने नंगा कर दिया। नाश कर रही है माँ, फिर आज अपनी संतान से किस बात का इम्तिहान ले रही है माँ। दुनिया में कोई भी माँ अपनी संतान की लाश को लुटते हुए नहीं देख सकती माँ, फिर तू तो जगत माता है माँ। आ माँ आ, किसी भी रूप में आ माँ और आज से नाश कर दे माँ। जानता हूँ माँ, मैं जानता हूँ पाप का नाश करने के लिए, पापी को खत्म करने के लिए किसी ना किसी को कुर्बानी देनी पड़ती है माँ, जैसे मेरी बहन दुर्गा ने कुर्बानी दी माँ। आज मैं उसके बदले में तुम्हारे से ठीक मांगता हूँ माँ, मेरी लक्ष्मी की लाज बचा ले माँ, मेरी लक्ष्मी की लाज बचा ले माँ। हे माता रानी, मेरे बेटे की पुकार सुन माता रानी, मेरे बेटे की पुकार सुन। ऐ मेरे प्यारे खुदा, मुझे बीबी फातिमा उस दौरा की कहानी की कसम, मेरी फरियाद सुन ले या अल्लाह, मेरे बेटे की पुकार सुन ले या अल्लाह। माँ, जब जब तूने अपने भक्तों को अपने दरबार में अपने दर्शनों के लिए बुलाया माँ, तेरे भक्त खुशी खुशी ये कहते हुए आए, अगले बोलो जय माता की, पिछले बोलो जय माता की, बस एक माँ से। संतान तेरे दर्शनों को नहीं आ सकती माँ, तुझे आइए अपना सिंहासन छोड़ना पड़ेगा माँ, ऐसा ना हो कि तुझे पत्थर की मूर्ति बनने लगे माँ। ए काली कमली वाले, अपनी कमली की थाव से मेरी बहन की इज्जत बचा। दुनिया में विश्वास और मेरे खुदा, तुझे बीवी फातिमा के पास जाने की कसम, मुझे ताकत दो। मेरे अल्लाह, ऐ ताकत के शहंशाह, तुझे तेरे प्यारे रसूल की कसम, अपने फकीर बंदे को अपने मौला अली की थोड़ी सी ताकत बख्शे, ताकि वो अपनी बेबस बहन की हिफाजत कर सके। Allah! 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 Allah
दिया, पर मेरा ढक्कन बंद मत करना। सबू सबू तुम तो देख ही रहे हो अपनी औलादी मेरा ढक्कन बंद करने पर तुरी हुई है। मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो। अमिताभ सुल्तान, आज उल्टी गंगा कैसे बहने लगी? धरती का ये भगवान ऊपर वाले भगवान से भीख मांग रहा है। कहां है वो तेरे साथी, कहां है वो तेरे कंधे जिन पर तुझे बड़ा नाज था? बोल बोल बोल। जब उन्हें मालूम हो गया कि मेरा ढक्कन बंद होने वाला है तो अपना ढक्कन बचाने के लिए तुम तड़ाकर भाग खड़े हुए। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? चढ़ावा चढ़ा दे, चढ़ावा। क्या कहा? चढ़ावा? हाँ, जिस दौलत को तूने गरीबों का खून चूस चूस कर जमा किया है, जिस दौलत से तूने ये भगवान की सोने की मूर्ति बनाई है, उस दौलत का चढ़ावा चढ़ा दे जमींदार, शायद भगवान राजी हो जाए। पर हाँ, दौलत से भगवान और अल्लाह नहीं खरीदे जा सकते जमींदार, फिर भी तू आसमां के देख ले। तू ठीक कह रहा है बेटे सुल्तान, मैं तो भूल ही गया था। अरे रुपए से दुनिया की हर चीज खरीदी जा सकती है, हर चीज खरीदी जा सकती है। लोग रुपए मर्जी वाले। चढ़ावा चढ़ा। जय हो कृष्ण कन्हैया और जय हो लक्ष्मी माता। ठीक है सुल्ताना बेटे। और लोग सुल्ताना बेटे। और लोग बस समीदार बस। सुल्ताना बेटे अब तो सब ठीक हो गया ना, अब तो मेरा ढक्कन बंद नहीं होगा ना। समीदार तुझे गरीबों की आह लग गई है, आ उनके नोटों ने भगवान की आंखें भी बंद कर दी है ताकि वो तुझ जैसे राक्षस की मौत भी ना कर सके। देख जमींदार देख, अपनी आंखों से देख। जमींदार वो दिन आ गया जिसका मुझे इंतजार था। मरने के लिए तैयार हो जा, तेरी मौत से धरती का बोझ भी हल्का हो जाएगा और राक्षस का नाश भी। नहीं सुल्तान, तुम इसे नहीं मार सकते, ये कानून का मुजरिम है। इसके खिलाफ सब सबूत मिल चुके हैं, अब इसे कानून ही सजा देगा। लेकिन आज मैं इसे किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। देखा संग्राम, आज तुम्हारी वजह से ये मेरे हाथों से बच निकला।
राजा। माँ। मेरा राजा। माँ। राजा बेटा। माँ। मेरा बेटा। माँ। तूने मेरे पिछड़े बेटे को मुझसे मिला दिया। माँ तुमने देखा, माँ हमारी दुर्गा को माँ ने अपनी गोद में ले लिया। माँ अब उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। माँ उसकी आत्मा नहीं भटकेगी। माँ तू ठीक कहता बेटा, हमारी दुर्गा को माँ ने अपनी शरण में ले लिया। माँ मैं अपनी बहन दुर्गा को तो दुल्हन के रूप में नहीं देख सका माँ, पर आज तक उसकी अमानत मेरे पास है माँ। वो क्या बेटा? माँ जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, माँ अम्बे माँ जगदम्बे तू शक्ति का अवतार, अम्बे माँ जगदम्बे तू शक्ति का अवतार।